सो हेलो गाइज, दिस इज़ चंदन एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू इंस्टॉल और डाउनलोड टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस इन योर कंप्यूटर और लैपटॉप। ये बेसिकली अपने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करने के लिए होता है। अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हुए हो या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो तो आप यहाँ से अपने प्रोग्राम को रन करवा सकते हो। ये एक सॉफ्टवेयर है टर्बो सी प्लस प्लस। आइए जानते हैं इसे हमें अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कैसे डाउनलोड या इंस्टॉल कैसे करना है। तो इसे डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी होना चाहिए। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे डाउनलोड करना। सबसे पहले आपको अपने गूगल ब्राउज़र ओपन करना है और उसके बाद वहाँ पे सर्च बार पे आपको सर्च करना है टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड। सर टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड ये टाइप करके आपको इंटरप्रेस करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट लिंक आ रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे डेवलपर इनसाइडर किसी वेबसाइट है उसी का लिंक आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसी लिंक पे क्लिक करना है और यहीं से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। ये लिंक बेसिकली मैं ये लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप वहाँ से भी जा सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। वैसे आप अगर सर्च करोगे तो आपको सर्च करके सबसे जो फर्स्ट लिंक आता है आपको उसी को ओपन करना है। यहाँ आप देख पा रहे हो ये लिखा हुआ है ना, डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस फॉर विंडो 7.8.1 एंड विंडो 10, ठीक है। आपको इसी पर क्लिक करना है। आप यहाँ पर क्लिक करो, अब उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है नीचे हाउ टू इंस्टॉल टर्बो सी प्लस प्लस। यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिया गया है कैसे आपको इसे अपने डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप तो यहाँ पे डाउनलोड करने का दिया हुआ है एंड सेकंड स्टेप में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी आपका पुराना वर्जन टर्बो सी प्लस प्लस का आपके डेस्कटॉप पर है तो सबसे पहले आप उसे इंस्टॉल करो, अनइंस्टॉल करो, उसके बाद इसे इंस्टॉल करो, ठीक है, तभी ये काम वर्क करेगा, ठीक है। एंड थर्ड स्टेप लिखा हुआ है कि ये जो आपका फाइल है वो जिप फाइल में मिलेगा टर्बो सी प्लस प्लस, आपको इसे एक्सट्रैक्ट करके डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और एंड जो फोर्थ स्टेप है वो लिखा हुआ है, ये आपको एक फाइल मिलेगा उसे डाउनलोड होने के बाद वहाँ पे जो सेटअप करके लिखा हुआ रहेगा आपको उस पर क्लिक करके रन करवाना है, ठीक है। एंड फिफ्थ स्टेप में लिखा हुआ है कि इस जो भी स्टेप दिया हुआ है उस स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। अगर आपको ये सब करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो अगेन आप स्टार्टिंग से वीडियो देखना स्टार्ट करो, होपफुली आपका सारा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम इसे डाउनलोड करते हैं। सब स्टेप वन में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है। तो आपको इसी डाउनलोड टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो आप इसे क्लिक करो, आप देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोडिंग लिखा हुआ है, मीन्स डाउनलोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अब नीचे भी एक फोल्डर बनेगा, नीचे भी आप देख सकते हो टर्बो सी प्लस प्लस जी फाइल पे डाउनलोड हो रहा है, ठीक। आप कंट्रोल प्लस जे टाइप करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे टर्बो सी प्लस प्लस जो है वो डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। ये आप देखो अभी तक ये फोल्डर बना नहीं है ये, लेकिन ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सो इन फोल्डर लिख दिया, मतलब ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। हम सो इन फोल्डर पर क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर देख सकते हो टर्बो सी प्लस प्लस यहाँ पर क्लिक करो, फिर यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हो स्टार्टअप, वहाँ पर आप देखे होंगे कि वहाँ पर लिखा हुआ था कि आपको स्टार्टअप पर क्लिक करना है, बट मैं यहाँ पे क्लिक करके देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। आपको इसी पे क्लिक करना है, स्टार्टअप एप्लीकेशन देख रहे होगे, आपको इसी पे क्लिक करना है। नहीं हो रहा, टर्बो सी प्लस प्लस पे आप क्लिक करो, ठीक है। टर्बो सी प्लस प्लस पे आप क्लिक करो, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल लिखा हुआ है, ठीक है। प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल मीन्स ये इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ आपको दे रहा है, ठीक है, इसे आप नेक्स्ट करो, ठीक है। आप इसे नेक्स्ट करो, उसके बाद इसका जो लाइसेंस है आप इसे एक्सेप्ट करो, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे फिनिश इंस्टॉल का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। आप इसे इंस्टॉल पे क्लिक करो, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा जो टर्बो सी प्लस प्लस है वो डाउनलोड होकर के यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। इंस्टॉलिंग टर्बो सी प्लस प्लस, ऊपर आप देख सकते हो 3.2 लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब ये इंस्टॉल हो रहा है अपने लैपटॉप पर। आप देख सकते हैं यहाँ से फिनिश हो चुका है, मतलब ये डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। आप फिनिश पे क्लिक करो, ये हमसे स्टार्टिंग में दो बार क्लिक हो गया था इसलिए ये फिर से आ रहा है, तो इसे हम क्लोज कर दे रहे हैं, यहाँ से क्लोज कर दे रहे हैं, एस पे क्लिक करके यहाँ पे हम क्लोज कर दे रहे हैं, ठीक है। ये हो जाने के बाद आप यहाँ से गूगल क्रोम को आपको यहाँ से क्लोज कर देना है, उसके बाद आप अपने डेस्कटॉप पर आ जाओगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टर्बो सी प्लस प्लस का एक एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, और अगर आपके डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन नहीं दिख रहा है तो आप विंडो पे जा कर के सर्च कर सकते हो टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है। तो हम सिंपली इसे ओपन करते हैं, स्टार्ट टर्बो सी प्लस प्लस पे क्लिक करते हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि आपको यहाँ से न्यू फाइल बनाना है तो आप ऊपर में एक लेफ्ट साइड पर फाइल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपको उसी पर क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करना है, तो आपका एक न्यू के सिंगल विंडो बन जाएगा फुल स्क्रीन पे। आप एरो पे क्लिक करके आप देख सकते हो यहाँ पे,
और अब आप अपने फाइल को F2 प्रेस करके सेव कर सकते हो। आपको अपने फाइल का जो भी नाम रखना है वो नाम रख करके डॉट एक्सटेंशन सील लिख करके आप अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करके आप अपने जो भी प्रोजेक्ट है आपका वो आपको सेव हो जाएगा। और अब आपको अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर टाइप कर लेना है एंड पूरे अच्छे तरीके से टाइप हो जाने के बाद, मतलब मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। आपको पूरे अच्छे तरीके से टाइप कर लेने के बाद कंट्रोल प्लस F9 अपने कीबोर्ड से इंटर प्रेस करना है। आप ऊपर में देख पा रहे हो रन का ऑप्शन दिया हुआ है, तो वहाँ पर जा करके आप शॉर्टकी दबा सकते हो कंट्रोल प्लस F9। इससे जो भी आपका आउटपुट होगा वो आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएगा। तो अब यहाँ से कंट्रोल प्लस F9 इंटरप्रेस करके आप अपना आउटपुट ले सकते हो। तो इस वीडियो में हम सीखे हैं कि कैसे आप अपने कंप्यूटर पे टर्बो C++ को इंस्टॉल कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे आपको अपने कंप्यूटर में टर्बो C++ को डाउनलोड कैसे करना है। एंड अगर आपको टर्बो C++ पे कैसे प्रोजेक्ट बनाना है इसके ऊपर ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं इसका फुल ट्यूटोरियल बनाकर अपलोड करूँगा। आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।